हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रदेश का विकास गुजरात राज्य बनने एवं खनिज तेल मिलने के पश्चात तेजी से हुआ है। इसका विस्तार लंबाकार पट्टी के रूप में पश्चिमी गुजरात में अहमदाबाद से कोयली तक है। इस संपूर्ण प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। यहाँ पर अहमदाबाद, नडियाद, गोधरा, भरूच, बड़ोदरा, सूरत एवं कोयली में विविध उद्योगों का विकास किया गया है। अहमदाबाद पूर्व का बोस्टन कहलाता है। यहाँ पर वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है। इस नगरी में वस्त्र की 80 से अधिक मिलें हैं। अन्य सभी औद्योगिक केंद्रों में भी वस्त्र उद्योग विकसित अवस्था में है। सूरत गुजरात का कृत्रिम रेशा एवं उससे वस्त्र बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ तेजी से नई नई मिलें एवं घनी औद्योगिक बस्तियों की स्थापना निकटवर्ती केंद्रों में हो रही है। इसे गुजरात का लघु मुंबई कहा गया है। कोयली में देश का सबसे विशाल रासायनिक उद्योग समूह विकसित हुआ है। यहाँ पर पेट्रो रसायन उद्योग एवं शोधनशाला है। बड़ोदरा में सूती वस्त्र उद्योग, दवाइयाँ, रासायनिक पदार्थ, वार्निश एवं पेंट, कांच, इंजीनियरिंग उद्योगों का विशेष विकास हुआ है। यहाँ पर मोटर, ट्रैक्टर एवं साइकिल उद्योगों का विकास हुआ है। सूरत सोने चांदी के तार, जरी एवं कढ़ाई की रेशमी तथा कृत्रिम रेशे की कीमती साड़ियाँ, जरी, बर्तन एवं कलात्मक वस्तुओं के लिए भी विख्यात है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त सीमेंट, रसायन पदार्थ, शक्कर, बीड़ी, वनस्पति एवं विविध इंजीनियरिंग सामान, कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान, उच्च तकनीक के सॉफ्टवेयर, दवाइयाँ आदि की इकाइयाँ भी विकसित हुई हैं। नडियाद एवं आनंद डेयरी उद्योग का भी मुंबई के बाद देश का सबसे बड़ा केंद्र है। अमूल एवं आनंद सहकारिता डेयरी तकनीक यहीं की देन है। यह प्रदेश गुजरात का औद्योगिक हृदय स्थल है। यहाँ अकेले सूत्री वस्त्र में भी लगभग 3 लाख श्रमिक हैं। अब मुंबई शोलापुर की सीमा इससे मिलती जा रही है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ प्रदेश, यह प्रदेश अपेक्षतया लघु है। गाजियाबाद को दिल्ली का सैटेलाइट टाउन कहा जाता है, किंतु यहाँ पर कंप्यूटर एवं उच्च तकनीक के कीमती इलेक्ट्रॉनिक, हल्के इंजीनियरिंग, विद्युत उपकरण, वार्निश व पेंट, प्लास्टिक सॉफ्टवेयर, दवाइयाँ आदि उद्योगों में तेजी से भारत का हृदय स्थल बनता जा रहा है। यहाँ पर इन उद्योगों का श्रृंखलाबद्ध विकास हो रहा है। यहाँ के मुख्य केंद्र गुड़गांव, दिल्ली, शाहदरा, फरीदाबाद, मोदीनगर, मुरादनगर एवं गाजियाबाद मधुमक्खी के छत्ते की भांति
आपस में एकीकृत होते जा रहे हैं। मेरठ, मथुरा एवं आगरा भी इसी प्रदेश में अब इसके अंग बनते जा रहे हैं। इसके निकट के नगर हिसार, पानीपत, मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, भरतपुर एवं अलवर जो कि इसे वृत्ताकार घेरे हुए हैं भी इस प्रदेश की बाह्य सीमा के निकट होने से तेजी से विकसित हो रहे हैं। अब यह सभी केंद्र भी इस वृहत औद्योगिक प्रदेश का अंग बनते जा रहे हैं। यहाँ के दैनिक यात्री महानगरों में आते जाते हैं। देश की 40% इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सॉफ्टवेयर उपकरण निर्माण इकाइयाँ यहीं पर केंद्रित हैं। इनमें रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, टेप रिकॉर्डर, कैसेट एवं अनेक विविध उद्योगों के उपकरण बनाए जाते हैं। विद्युत मोटर, केबल, सभी प्रकार की उच्च तकनीक की घरेलू एवं उपभोक्ता सामग्री भी यहाँ बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त सूती एवं ऊनी वस्त्र परिधान, होजरी, सीमेंट, परिष्कृत खाद्य वार्निश, पेंट, शक्कर, साइकिल, ट्रैक्टर और मोटर के पुर्जे, घड़ियों के पुर्जे, कृषि उपकरण, तेजाब, रासायनिक पदार्थ, वस्त्र उद्योग, मशीनरी, वनस्पति घी, सिगरेट, दिया सलाई, पीतल व स्टेनलेस स्टील के बर्तन के उद्योग, इस्पात ढलाई उद्योग आदि का भी तेजी से विकास हुआ है। फरीदाबाद में ढलाई के सामान एवं विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं। गाजियाबाद में ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, कीटाणुनाशक दवाइयाँ, विद्युत मोटरें बनाई जाती हैं। शाहदरा विविध सूती एवं ऊनी हौजरी उद्योग, वार्निश, रंग और तेजाब बूट बनाने के उपकरण के लिए प्रसिद्ध है। मोदी नगर में बड़ी इकाइयाँ सूती एवं कृत्रिम रेशा मिल, वनस्पति घी, भारी ढलाई के कारखाने, साइकिल एवं मोटर के पुर्जे, टायर, शक्कर बनाने की मिलें गुड़गांव, शाहदरा एवं फरीदाबाद में रेडियो, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक समूह के विविध उद्योग, उपकरण एवं सहायक उद्योगों का तेजी से विकास होता जा रहा है। आज इतना ही।